जी अस्सलाम वालेकुम, हाय व्यूअर्स, मेरा नाम कलीम है। वेलकम टू मैनेजमेंट ट्यूब। और आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है, आज हम ये डिस्कस करेंगे एलाइड सीनियर सिटीजन अकाउंट को डिटेल से डिस्कस करेंगे कि कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल होते हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, कैसे आप ओपन करा सकते हैं, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या है आपको ये अकाउंट ओपन कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। तो आज हम एलाइड सीनियर सिटीजन अकाउंट को डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। और एलाइड बैंक समेत तमाम बैंक्स के बारे में, अगर आप मेरी जगह जो ऑलरेडी मैं वीडियोज अपलोड कर चुका हूँ, अगर आप वो वीडियोज़ मेरी देखना चाहते हो, आप मेरे ऐसे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाएँ, वहाँ आपको बैंकिंग के नाम से एक प्ले लिस्ट मिलेगा, वहाँ से आप मेरी सारी वीडियोज़ देख सकते हो। फिर भी आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, जो कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो आप किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो भी पूछेंगे, मैं आप लोगों को लाजमी रिस्पॉन्स करूँगा। लेकिन मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि एलाइड सीनियर सिटीजन अकाउंट को। पहली बात तो ये है कि आपको इसके नाम से लग रहा होगा कि ये किन लोगों के लिए है। तो बेसिकली ये है सीनियर सिटीजन के लिए। पाकिस्तान में अगर हम देखें, वैसे तो सीनियर सिटीजन वो अकाउंट होते हैं, वो शुमार होते हैं एज ए सीनियर सिटीजन, जिनकी उम्र 60 साल हो या 60 साल से ज़्यादा हो। लेकिन एलाइड बैंक के अकॉर्डिंगली एलाइड सीनियर सिटीजन अकाउंट के लिए वो लोग एलिजिबल होते हैं जिनकी उम्र 55 साल है या 55 साल से ज़्यादा है। तो कहने का मतलब यह है कि वो तमाम लोग जिनकी उम्र 55 साल है या 55 साल से ज़्यादा है, वो कुछ भी करते हैं, वो ये अकाउंट ओपन करा सकते हैं। और इवन कि अगर वो पेंशन या रिटायर हो चुके हैं, तब भी वो ये अकाउंट जो है ना ओपन करा सकते हैं अपनी बैंकिंग नीड को फुलफिल करने के लिए। बाकी इसमें यह है कि जो नंबर वन पे हमारे पास ऑप्शन है, वो ये है कि इट इज़ ऑफर्ड बोथ PLS सेविंग एंड करंट वेरिएंट। तो कहने का मतलब ये कि जो सीनियर सिटीजन अकाउंट है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसका सेविंग अकाउंट ओपन कराते हो तो कराना चाहते हो तो सेविंग अकाउंट ओपन करा सकते हो, और अगर करंट अकाउंट ओपन कराना चाह रहे हो तो करंट अकाउंट ओपन करा सकते हो। और इसके अलावा चॉइस आप ओपनिंग अ सुटेबल प्रोफाइल कैटेगरी बीइंग रेगुलर और आसान वेरियंट। और ये जो है ना, ये बात की आपको शायद समझ ना लगे, वो कह रहे हैं कि अगर आप इसकी आसान अकाउंट में भी सीनियर सिटीजन अकाउंट ओपन कराना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अगर आप आसान सीनियर सिटीजन अकाउंट ओपन कराएंगे तो उसमें ये आपको डिसएडवांटेज होगा, नुकसान होगा कि उस अकाउंट में आप 5 लाख रुपए से ज़ायद नहीं रख सकेंगे। ये मैं सेकंड नंबर की बात कर रहा हूँ। वैसे जो सीनियर सिटीजन अकाउंट है, अगर आप ये करंट अकाउंट में ओपन कराते हो या सेविंग अकाउंट में ओपन कराते हो आसान से हट के, तो उस सूरत में आप जितनी मर्जी इसमें डिपॉजिट करो, जितनी मर्जी जो है ना उसमें विदड्रा करो। तो मैं ये सिर्फ सेकंड नंबर की, अगर आप सीनियर सिटीजन अकाउंट में आसान वेरिएंट अकाउंट ओपन कराते हैं तो उस सूरत में आप सिर्फ इसमें 5 लाख रुपए रख सकते हो। तो मेरे ख्याल में आपको इस बात की समझ आ रही होगी। अगेन मैं इस चीज़ को रिपीट करता हूँ कि अगर आप सीनियर सिटीजन अकाउंट को आसान वेरियंट में ओपन कराते हो, तब आप इसमें सिर्फ 5 लाख रुपए रख सकते हो। अदरवाइज जो है ना, सीनियर सिटीजन करंट अकाउंट ओपन कराएं या सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट ओपन कराएं, उसमें आप जितनी मर्जी पैसे रखें और जितनी मर्जी निकालें, कोई इश्यू नहीं है। और इसमें क्या है, फ्री डेबिट कार्ड इशुएंस। तो फ्री डेबिट कार्ड इशुएंस ये ऐसे ही उसने लिखा हुआ है, लेकिन ये सिर्फ फर्स्ट ईयर, जब आप अकाउंट ओपन कराएंगे पहले साल आपको फ्री डेबिट कार्ड दिया जाता है, और उसके बाद जो है ना हर साल आपको उसके चार्जेस पड़ते हैं। फ्री इंश्योरेंस कवर एक्सीडेंशियल डेथ एंड डिसेबिलिटी, ये तो ऐसे ही लॉलीपॉप। लैब्स डिस्काउंट एंड हॉस्पिटलाइजेशन, फजूल बात। फ्री ऑफ कास्ट पेंशन क्रेडिट एंड लाइबिलिटी टू यूटिलिटी ऑफ फंड। तो वो कह रहे हैं कि फ्री ऑफ कास्ट जो है ना पेंशन को आप इसमें क्रेडिट कर सकेंगे। पहली बात है, जब आप कोई भी अमाउंट जो है ना इसमें करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, तो उसमें जो है ना चार्जेस लगते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर कोई आप पेंशन सैलरी जो है ना अगर आप इसमें क्रेडिट करना चाहते हो तो वो फ्री ऑफ कास्ट होगा। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए क्या है, एक तो यह है कि आपके पास कौमी शिनाख्ती कार्ड होना लाजमी है, और इसके अलावा जो है ना आपका सीनियर सिटीजन मतलब आपकी उम्र 55 साल या उससे ज़्यादा होना लाजमी है। प्रूफ ऑफ इनकम, वो कह रहे हैं कि इफ़ एप्लीकेबल, तो ज़रूरी नहीं है कि जो है ना प्रूफ ऑफ इनकम हो, लेकिन अगर 55 साल से आप ज़्यादा हैं तो ये बेसिक नीड है, यू कैन ओपन दिस अकाउंट। और इसके अलावा ये भी सबसे मज़े की बात है, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी नेशनल ये सिंगल जॉइंटली दोनों अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अगर आप दो फ्रेंड्स मिलके जो है ना ये अकाउंट ओपन कराना चाहते हो, दोनों की उम्र 55 साल या 55 साल से ज़्यादा है, तो आप अकाउंट ओपन करा सकते हो। सेम इसी तरह दो या दो से ज़्यादा दोस्त मिलके या फैमिली मेम्बर मिलके भी अकाउंट जो ओपन कराना चाहते हैं तो आप करा सकते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ ये चीज़ है कि उसमें 55 साल उम्र होना लाजमी है। असल जो चीज़ है वो यहाँ अकाउंट टाइप्स में आ रहा है। जैसा कि यहाँ पहले मैं आप लोगों को, शायद मेरी बात को समझने में आप लोगों को मसला हो रहा था, तो ये जो अकाउंट है इसके ओवरऑल 4 वेरिएंट हैं। एक है एलाइड सीनियर सिटीजन करंट अकाउंट और एलाइड सीनियर सिटीजन PLS सेविंग अकाउंट। तो कहने का मतलब ये कि आप इस अकाउंट को करंट अकाउंट में भी ओपन करा सकते हो, जो कि नंबर 1 है, और नंबर 2 पे आप इसको सेविंग में ओपन करा सकते हो। और जो लास्ट 2 वेरियंट्स हैं,
ये जो मैं बता रहा था ऊपर वाले दो वेरिएंट में अगर आप ये अकाउंट ओपन कराएंगे तो आप इसमें जितनी मर्जी पैसे रखें जितनी मर्जी निकालें, कोई रिस्ट्रिक्शन आप पे नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन ये जो आखिर में दो वेरिएंट हैं, अलाइड सीनियर सिटीजन करंट आसान अकाउंट, अलाइड सीनियर सिटीजन प्लस PLS सेविंग आसान अकाउंट, तो इन दोनों सूरतों में ये जो आखिरी दो हैं अगर आप इन दोनों सूरतों में ओपन कराएंगे तो आप इसमें 5 लाख से ज़्यादा पैसे नहीं रख सकते पर मंथ। और इसमें ये चीज़ें हैं, बाकी इसमें आपको चेकबुक भी मिल जाएगी और आपको जो है ना ATM कार्ड के लिए भी आप एलिजिबल होते हो, और इसके अलावा आप इंटरनेट बैंकिंग भी इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब कि चेकबुक भी आपको मिलती है, आपको ATM डेबिट कार्ड भी मिलता है, और इसके अलावा जो है ना आप इंटरनेट बैंकिंग भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं, तो उन लोगों के लिए ये बेहतरीन अकाउंट है जिनकी उम्र 55 साल या उससे ज़्यादा है, क्योंकि बाज़ औक़ात जो होता है कि जब उम्र 55 साल या उससे ज़्यादा हो जाए तो जब ये हमारे बुज़ुर्ग अकाउंट ओपन करने के लिए जाते हैं तो बैंक वाले अक्सर डिनाइड करते हैं बेसिक बैंकिंग अकाउंट या बाकी अकाउंट ओपन करने के लिए। वो कहते हैं कि यार आप ये अब आपकी उम्र इतनी होगी, आप ये अकाउंट ओपन क्यों कर रहे हो, अनटिल दी अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं तब तो वो ओपन करते हैं, लेकिन छोटे मोटे हमारे बुज़ुर्ग मतलब उनका कोई खास इतनी अर्निंग नहीं होती तो उनको तंग किया जाता है अकाउंट ओपन करने के लिए। तो इसलिए अगर आप भी कोई भी जो है ना अकाउंट ओपन करने में मसला आ रहा है तो आप एलाइड बैंक विजिट करके सीनियर सिटीजन अकाउंट में से इन चारों वेरियंट में से जो भी आपको सही लगे उनमें आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं। पहले टू में जितनी मर्जी पैसे रखें निकालें कोई मसला नहीं है, लेकिन लास्ट टू वेरियंट में अगर कराएंगे तो 5 लाख से ज़्यादा पैसे नहीं रख सकेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। ये दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट मिलेंगे इंशाल्लाह ताला अच्छी वीडियो के साथ, अल्लाह ने के